सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साइड में लगे हुए उसके आइकन बेल के बटन को, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। हेलो ऑल ऑफ यू, आई होप सो आप सब अच्छे से होंगे। और आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है हम बात करेंगे आपका रैक एंड पिनियन की। तो रैक एंड पिनियन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, वो मैंने आपका वॉर्म गियर के ऊपर जो है अपलोड की थी। और आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम रैक एंड पिनियन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात है, जो रैक एंड पिनियन में हमारे दो गियर्स का जो है इंगेजमेंट होता है, उसमें एक होता है हमारा रैक और दूसरा होता है हमारा पिनियन। अगर आप डायग्राम में देख रहे होंगे, जो रैक होता है वो एक स्ट्रेट बार की तरह होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि लीनियर स्ट्रेट बार होता है, या फिर हम कह सकते हैं आपको एक लीनियर गियर बार होता है, ठीक है ना। और इसी लीनियर गियर बार को जो है हम जो है आपको कहते हैं रैक। और इस रैक के ऊपर जो है अगर देखेंगे आप, इसके जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इस रैक की, इसके अक्रॉस में जो इसके टीथ होते हैं, ठीक है। और जो पिनियन होता है, ये जो है आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि जो पिनियन है वो एक स्मॉल गियर होता है, और इस पिनियन की जो आउटर पैराफेरी है, इसके ऊपर जो है हमारे जो इस पर जो है टीथ, स्ट्रेट टीथ बने हुए रहते हैं। और ये जो टीथ इसके ऊपर बने हुए हैं, ये टीथ जो है इसके जो गियर का जो व्हील है, जो पिनियन का जो एक्सिस है, इस पिनियन की जो एक्सिस है उसके पैरेलल में जो है पिनियन के टीथ रहते हैं, ठीक है ना। तो एक स्मॉल गियर, एक छोटे गियर को जो है पिनियन बोलते हैं। और जब इन दोनों रैक और पिनियन के टीथ का आपस में मैशिंग होती है, तो उस मैशिंग से जो होता है आपका पावर का ट्रांसमिशन होता है, जो ड्राइविंग होती है, मतलब जो हमारी प्राइमरी मोटर से या प्राइम मूवर से जो कनेक्ट होता है वो होता है हमारा पिनियन, और जिसको पावर ट्रांसमिट होती है वो होता है हमारा, वो की जाती है रैक को। मतलब पिनियन हमारा जो है एक आपका ड्राइविंग पार्ट है, और जो हमारा रैक है वो हमारा ड्राइविंग पार्ट है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, जब पिनियन से जो है रैक को जो है पावर ट्रांसमिट होती है, तो उसमें जो मोशन है वो आपका कन्वर्ट होता है। तो अगर देखा जाए पिनियन पे जो रोटेशन ऑफ मोशन होता है वो आपका सर्कुलर होता है, और वो जो कन्वर्ट होता है हमारा रोटरी मोशन कन्वर्ट होता है लीनियर मोशन में, किसको, रैक को। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो हमारा जो पिनियन है उसका जो रोटेशनल मोशन है वो कन्वर्ट हो रहा है आपका लीनियर मोशन में, ठीक है ना। तो जहां पर भी हमको जो है आपका रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना होता है, वहां पर जो है हम रैक एंड पिनियन का जो है यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि रैक एंड पिनियन का जो है हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, तो रैक एंड पिनियन का जो है हम अगर एग्जांपल लेना चाहें, तो अगर आप देखा होगा कि जहाँ पर भी हमारे ये कैनल्स होते हैं, रिवर के ऊपर जो हमारे कैनल बने होते हैं, इनके जो गेट होते हैं, जो इनके लोक गेट होते हैं, उनको अगर खोलना है, उनको अगर बंद करना है, तो वहाँ पर भी जो है आप देखेंगे वो जो इन मैकेनिज्म यूज करते हैं लोग गेट को खोलने के लिए, बंद करने के लिए, उसमें आपको जो है रैक एंड पिनियन का अरेंजमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, तो अगर आप देखेंगे कि जो हमारी स्टेयर लिफ्ट होती है, जो स्टेयर लिफ्ट वगैरह होती हैं, उसके अंदर भी जो है हम आपका ये रैक एंड पिनियन का यूज करते हैं, इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें, हमारा जो रैक रेलवेज है, रेलवेज की जो रैक है उसमें जो है हमारा जो रेलवे है उसमें आप देखेंगे उसके बीच में जो है हम जो है आपका रैक एंड पिनियन के एंगेजमेंट का यूज़ करते हैं। मैं आप जो रैक एंड रेलवे का जो डायग्राम है वो मैंने आपको दिखा रखा है, तो इसमें भी जो है हम आपका रैक एंड पिनियन के मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ, मेन इंपॉर्टेंट ऑटोमोबाइल के अंदर अगर आप देखेंगे जो हमारे जो फोर व्हीलर्स हैं उनके जो स्टेयरिंग्स वगैरह होते हैं,
उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपका रैक एंड पिनियन का यूज़ किया जाता है। जब आपको लेफ्ट में गाड़ी मोड़ना होती है तो आपके जो फ्रंट के जो व्हील्स होते हैं, अगर आपको राइट में टर्न करना है तो स्टीयरिंग को जब राइट में घुमाएंगे तो जो आपकी फ्रंट की जो व्हील है वो राइट में मूव करेंगे, जो आप लेफ्ट में घुमाएंगे तो आपकी जो इस फ्रंट की जो व्हील है वो आपका जो है लेफ्ट में मूव करेंगे थ्रू द स्पेयरिंग। तो वहाँ पर जो मैकेनिज्म यूज़ करते हैं उसमें भी आपका रैक एंड पिनियन का मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है मैंने आपके सामने रखा है कि रैक किसे कहते हैं, पिनियन किसे कहते हैं, और रैक और पिनियन के बीच में जो है किस तरह का जो है मोशन का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है ना। और आपके एप्लीकेशंस ऑफ रैक एंड पिनियन क्या क्या हैं, तो आई होप सो आपको रैक एंड पिनियन के बारे में अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम मैं फिर आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।